गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज मैं आपके साथ एक छोटा सा मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, आई होप आप लोग को पसंद आएगा। और ये ऐसा सिंपल सा मेकअप लुक है, आप बर्थडे पार्टी में भी आप इस तरह के मेकअप लुक क्रिएट करके जा सकते हो, और जैसे किसी पूजा में आपको जाना है तो आप ये मेकअप लुक क्रिएट करके जा सकते हो। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं अपना ये मेकअप लुक। हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपना मेकअप लुक। तो ये मैंने लिया है एल्प गुडनेस का कुकुम्बर टोनर, मतलब गर्मियों के लिए ये बेस्ट टोनर है और आपके पोर्स को भी मिनिमाइज करेगा। और इसको आपको पूरे फेस और नेक पे अच्छे से अप्लाई करना है। और ये टोनर मुझे काफ़ी पसंद है, जब से मैं यूज कर रही हूँ ये मेरे फेस पे काफ़ी अच्छे से सेट होने लगा है। तो गाइज, मैं अपने फेस और नेक दोनों पे ये अप्लाई करूँगी, क्योंकि अगर फेस और नेक साथ में आप लेके नहीं चलोगे तो दोनों का कलर सेम नहीं आएगा और अलग अलग आएगा। सो गाइज, फिर मैं यहाँ यूज़ करूँगी गुड वाइब्स का स्किन ब्राइटनिंग फेशियल ऑयल। ये आप लोग ज़रूर ट्राई किया करो, ये ना डीपली आपके स्किन के अंदर जाते हैं और दाग धब्बे हटाने में काफ़ी हेल्प करेगा। और ये है आलमंड वाला, मतलब ये बादाम वाला है। और आप लोग जानते ही होंगे कि आलमंड में कितने सारे विटामिन पाए जाते हैं और मिनरल्स पाए जाते हैं। विटामिन में जैसे विटामिन ई, जिंक और कैल्शियम और भी विटामिन पाए जाते हैं। तो ये देखिए, मैंने अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। और ये सीरम काफ़ी अच्छा है, ये मैंने लिया था मीशो से। तो ये मैंने आपको जैसा कि बताया है कि लॉकडाउन से पहले ही मैंने ये मंगवाया था, तो ये तब से मैं यूज कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा फेशियल ऑयल है। सो इसे डैप डैप करके अपने फेस पे अप्लाई करना है पूरे फेस पे, ताकि ये अंदर तक, आपकी स्किन के अंदर तक ये पहुंच जाए। तो मैं अप्लाई करने वाली हूँ डिली बीबी क्रीम, ये मैंने अभी हाल ही में मार्केट से लिया है और अभी ये न्यू है, मैंने अपने फेस पे बिल्कुल अप्लाई नहीं किया है, लेकिन काफ़ी अच्छा क्रीम है ये। और ये आपके कंसीलर का भी काम करता है और फाइन लाइंस को हटाता है और जितने भी आपके फेस पे रिंकल्स होते हैं उनको रिमूव करता है। और एक बात और है, ये डार्क सर्कल्स को भी हाइड करता है और स्किन, आपकी स्किन को टोन करता है। तो इसको मैं डॉट डॉट करके अपने सारे फेस पे अप्लाई करूँगी और अपने आईज़ तो मैं अपने लोअर आईज़ के नीचे अच्छे से इसको अप्लाई कर लूँगी और नेक पे अपने फेस पे अच्छे से लगा लूँगी। उसके बाद डैप डैप करके सारे फेस में अच्छे से मैं अप्लाई कर लूँगी और इसको अच्छे से मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। और क्योंकि थोड़ी देर तक मैं इसको ब्लेंड करूँगी, आपको जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, और ताकि ये जो क्रीम होती है और जितनी भी क्रीम्स आपने फेस पे अप्लाई करते हैं वो अच्छे से आपकी स्किन पे मिल जाए अच्छे से, मतलब कि अच्छे से आपके फेस पे बहुत ही अच्छे से वो सेट हो जाए। वैसे ये सच में काफ़ी अच्छी क्रीम है, ये लगाने के बाद पता चल रही है कितना, मतलब अच्छे से ये सेट हो गया है फेस पे। और ये मैं मैक का, और अब मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ मैक का प्री प्लस प्राइमर। और ये आपका फाउंडेशन और प्लस कंसीलर दोनों का ही काम करता है, तो इसलिए मैं अपने फेस पे फाउंडेशन बिल्कुल अप्लाई नहीं कर रही हूँ और उसकी जगह मैं ये प्री प्लस प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि इसमें तीन चीज़ों से ये, मतलब कि ये तीन चीज़ें आपकी ये पूरा कर देगा, जैसे कंसीलर, फाउंडेशन और ये प्राइमर, तीनों का ये काम कर देता है। तो ये देखिए, मैं अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ अपने फेस को। और इसको लगाने के बाद मैंने फाउंडेशन इसलिए नहीं अप्लाई किया फेस पे, क्योंकि फाउंडेशन ज़्यादा हो जाता है आपके फेस पे और ये काफ़ी ज़्यादा काम करता है फाउंडेशन और कंसीलर का, तो इसमें कोई मतलब नहीं बनता है कि मैं इसमें फाउंडेशन भी यूज करूं। और ये मैंने पर्पल का कॉम्पैक्ट मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूं, ये भी मैंने मीशो से ही ऑर्डर किया था, बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट है। इससे जो आपका मेकअप है बहुत ही अच्छे से उभर के आता है और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है। सो जैसा कि मैंने बताया था, आपको नेक और फेस दोनों साथ ही लेके चलना है, क्योंकि अगर आप नेक पे नहीं लगाओगे तो आपका नेक अलग और फेस अलग दिखेगा। और जस्ट अब मैं अपने आईब्रो को फील कर रही हूँ, मैं ज़्यादा डार्क नहीं फील करूँगी अपने आईब्रो को, क्योंकि मेरी आईब्रो काफ़ी डार्क है वैसे ही, अगर मैं इसमें ज़्यादा डार्क कर दूँगी तो काफ़ी ख़राब लगेगा। तो ये देखिए, बहुत ही हल्के हाथों से मैंने अपने आईब्रो को सेट किया है। सो गाइज, मैं लगाने जा रही थी काजल और आईलाइनर, लेकिन फिर मैं भूल गई थी, अभी तो मैंने आई शेडो पैलेट को यूज ही नहीं किया। तो जस्ट मैंने अपना आई शेडो पैलेट उठाया है, ये जैक एंड हिल का आई शेडो पैलेट है, बहुत ही अच्छा आई शेडो पैलेट है। तो मैं ब्रश देख रही थी कि किस ब्रश से लगाना है मुझे।
तो जस्ट मैंने ये आई शेडो पैलेट उठाया है और अपने आईज़ पे मैं अप्लाई करूँगी। ये मैं सिल्वर कलर का अपने आईज़ पे ये आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ। ये मुझे काफ़ी पसंद है। लाइट अगर मेकअप आप कर रहे हो और उसमें आप लाइट आई शेडो आप इसमें अप्लाई कर रहे हो तो काफ़ी डिफरेंट आईज़ लगती है और बहुत ही प्यारी लगती है। ये मैंने कई बार ट्राई किया है, आप लोग भी ट्राई करिएगा फिर बताइएगा मुझे। तो मैं सेम दूसरी आईज़ पे भी अच्छे से मैं अप्लाई कर लूँगी ये। और आप देख सकते हैं कि मैंने ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ है तो बस उसी कलर का आई शेडो मैं लूँगी और अपने अपर आईज़ पे जहाँ हम लोग लाइनर लगाते हैं वहाँ पे जस्ट उसी के पास मैं थोड़ा सा हल्का हल्का उसमें अप्लाई कर लूँगी, पूरे आईज़ पे मैं नहीं लगाऊँगी। सो अब मैं ग्रीन कलर का आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ अपर और लोअर आईज़ पे। और ये मैंने पतला सा ब्रश लिया हुआ है। और एक बात और है, ये सारे ब्रश मेरे मैक के प्रोडक्ट्स का है। ये मैंने ऑर्डर किया था अमेजोन से, तब ये एक साल पहले मैंने ऑर्डर किया था और बहुत ही अच्छा ब्रश है। देखिए कितने दिन से ये चल रहा है। ये देखिए हल्के हाथों से मैं अपने आईज़ पे इसको बहुत ही लाइटली अप्लाई करूँगी। और सेम मैं दूसरी आईज़ पे भी इसको अप्लाई करूँगी। और ये इसको लगाने के बाद मेरी आईज़ काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रही थी। और ये आप देख सकते हैं मैंने अपर आईज़ पे तो अप्लाई कर लिया, अब मैं लोअर आईज़ पे अप्लाई कर रही हूँ। ये देखिए गाइज मैंने अपने आईज़ पे आई शेडो अप्लाई कर लिया है और अब मैं लगा रही हूँ ये मैक का काजल। काफ़ी अच्छा काजल है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है और काफ़ी देर तक ये लगी रहती है काजल। और इस काजल को मैं अपर और लोअर आईज़ दोनों में लगाऊंगी। आप नीचे अपने आईज़ पे तो लगाते ही हो लोअर आईज़ पे, लेकिन जो अपर आईज़ पे लगाते हो ना तो फिर आपकी जो आँखें हैं काफ़ी खूबसूरत दिखती हैं और काजल काफ़ी प्यारा लगता है आपकी आँखों में। तो ये मैं ज़रूर अप्लाई करती हूँ जब भी मैं कोई मेकअप करती हूँ अपने फेस पे, तो मैं ज़रूर लगाती हूँ। चाहे मैं घर में ही अपना सिंपल सा लुक अपना क्रिएट करती हूँ तब भी मैं ये काजल ज़रूर लगाती हूँ। उसके बाद मैं मैक का मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ अपने आईज़ पे। बहुत ही अच्छा मस्कारा है ये, मुझे एक साल हो गया लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं सूखा है और काफ़ी दिन तक ये चल रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये जब ये ख़त्म भी होने वाला है तो मैं फिर से इसको ऑर्डर कर दूँ। और ये लाइनर भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। और ये मैं मैक का मस्कारा ऐड कर रही हूँ। मस्कारे बिना तो फिर आईज़ फीकी फीकी सी लगती है, तो ये मस्कारा मैं अप्लाई कर रही हूँ। और ये भी एक साल पहले का ही मस्कारा है, काफ़ी अच्छा मस्कारा है ये। सो गाइज़ मैं अप्लाई कर रही हूँ मिस रोज़ का लिपस्टिक। काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है, तो पहले मैंने होठों को आउटलाइन करूँगी और उसके बाद मैं यही कलर का लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। और बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है ये, और ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, ये मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। और बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है और लाइट कलर की है ये लिपस्टिक। आप घर में अगर हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल सी मैक्सी पहने हैं या फिर लोअर टी शर्ट पहने हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है ये, और इससे हट कर लगाते तो इसमें मैं ये वाला लिपस्टिक मैं अप्लाई कर रही हूँ। ये लिक्विड लिपस्टिक है तो इसी के जस्ट ऊपर मैं इसको अप्लाई करूँगी। काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है ये, मुझे काफ़ी पसंद है और मैं अपने होठों को हमेशा लगाती हूँ और ये इससे काफ़ी हट के कलर आता है। सो गाइज मेरा मेकअप तो पूरा हो गया है, लेकिन बिना हाइलाइटर के मेकअप पूरा कैसे हो सकता है। तो मैं अपने फेस को हाइलाइट कर रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे हाइलाइट करना है। तो ये है आया का हाइलाइटर, काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है। ये मैंने अमेजोन से मंगवाया था और इसको मैं अपने आईज़ के कॉर्नर में ज़रूर अप्लाई करती हूँ। इससे काफ़ी हटके आपकी आईज़ का लुक आता है, बहुत ही अच्छा लुक देता है ये। तो ये देखिए मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है, जहाँ जहाँ मुझे हाइलाइट करना है वहाँ मैंने हाइलाइट कर लिया है। सो गाइज ये रहा मेरा फाइनल मेकअप लुक। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा। और अब मैं पहन रही हूँ ईयर रिंग्स, क्योंकि मैंने ईयर रिंग्स नहीं पहने थे जैसा कि आपने देखा। तो ईयर रिंग्स काफ़ी मुझे पसंद है, ये देखिए मैंने अपने कानों में पहन लिया है। सो गाइज अब मैं अप्लाई कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का द मैट फिक्सर। ये काफ़ी अच्छा फिक्स करता है अपने मेकअप को। सो गाइज मैंने अपने मेकअप को अच्छे से फिक्स कर लिया है और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग और हाइड्रेटिंग होता है। सो गाइज ये रहा मेरा फाइनल मेकअप लुक। और ये मैं अपने हैंड में पहन रही हूँ बैंगल्स, क्योंकि मैंने बैंगल्स नहीं पहने थे। और ये देखिए मैं इसमें बैंगल्स पहन रही हूँ, और ये बैंगल्स मैंने 5-6 महीने पहले लिया था
यहाँ लखनऊ में ही काफ़ी अच्छा बैंगल्स है और मम्मी मेरे लिए लेके आई थी। ये देखिए काफ़ी अच्छा कलर है। ये बैंगल्स आप किसी भी कलर के सूट के साथ पहन सकते हैं, ये किसी भी सूट के साथ आपको मैच कर सकता है। और इस ये देखिए इयररिंग्स भी मैच कर रहा है इसके साथ। गाइज कैसा लगा आपको आज का मेरा ये मेकअप लुक, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और जो मेरे चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, गुड नाइट।